हेलो व्हाट्स व्हाट्सअप आई होप यू आर डूइंग फाइन दिस इज़ मी मीर वहीद एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द स्वराज पार्टी राइट right? आज हम स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे आगे आगे देखते हैं कहां पर पहुंच जाएंगे हम ठीक है तो ये आपको पता ही है हम क्या पढ़ने वाले हैं आज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन राइट और आपको ये भी याद होगा कि कि हम आपको ये याद होगा कि ट्वेंटी से ट्वेंटी मार्च से क्या है आपका पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो मैं इसलिए यहां पर ये लेकर आया आपको याद दिलाऊं कि आप रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एक पूरा प्रॉपर प्लान बना लो रिव्यन के लिए कितने टाइम किस किस सब्जेक्ट को कितना रिवाइज करना है किन किन टॉपिक को रिवाइज करना है ठीक है पहले ही दिन आप अच्छे से ये दे दो टेस्ट दे दो फिर मैं बताऊंगा एनालिसिस किस तरीके से करना है आप फिलहाल रिवाइज करो नोट्स को ठीक है अगर आपके पास नोट्स रेडी है तो वेल एंड गुड आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से ठीक है ना और एक बात और एक बात यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको वो ये हैं अब आप लोग अब आप लोग एन सी आर टी जो है पढ़ना शुरू करो किसके लिए इकोनॉमी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए एन सी आर टी पढ़ना शुरू कर दो ठीक है कुछ टॉपिक्स हम हमें रह रहे हैं मैक्रो वाले पार्ट में मतलब जिसको बोला जाता है हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं ठीक है और प्लानिंग वलानिंग है वो बिल्कुल आसान है और मज़ेदार भी है लेकिन माइक्रो वाला पार्ट आप अब कंप्लीट करो रिवाइज करो कहाँ से एन से ठीक है मैं आपको पेज यहीं से सेंड करूँगा पी डी यहीं से सेंड करोगे एन की कौन कौन से कौन कौन सा पेज उसमें से पढ़ना है यहीं से मैं क्रॉप करके बेचूँगा आपको और कौन कौन सा ग्राफ आपको पढ़ के याद रखना है चीज़ों को कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो मैं यही से सेंड करूँगा लेकिन पढ़ना ज़रूरी है पढ़ना उसको बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपको कोई कोई चीज नहीं छूटना है छूटना चाहिए ठीक है ना चलो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है आज का लेक्चर जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे गाइस कल मैंने आपको बताया था एक सेकंड रुको चोरी चोरा हाँ कल मैंने आपको खिलाफत मोमेंट बताया था उसमें मैंने ए पीजे मैंने नोट्स पे एपीजे लिखा था क्योंकि नोट्स पे जल्दी जब राइटिंग करते हैं ना तो वहाँ पर मैंने ए पीजे लिखा वो ए पी जे नहीं है वो भी अबुल कलाम ही है जो मैंने कल बोला था उसका नाम है यहाँ पर है पेज पे ये पेज में दिखाऊंगा आपको एक था एली ब्रदर्स ठीक है फाउंडेशन किसने डाली थी एली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली याद रखना एली ब्रदर्स में से आपको याद रखना मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो है उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की फाउंडेशन डाली है। और उनके साथ कौन कौन था मौलाना अबुल कलाम है ए बी यू एल मैंने आपको कल टेलीग्राम पे भी सेंड किया था कि उसको चेंज करना अबुल कलाम है अबुल कलाम आज़ादी ये ए पी जे कलाम नहीं है ठीक है इसे कन्फ्यूज नहीं होना ए पी जे कलाम जो है अबू पाकिर अब्दुल कलाम जो है वो अलग है जो प्रेसिडेंट था ठीक है ये उस टाइम जो था इसका इसका भी नाम है मौलाना अबुल कलाम बस और हकीम अजमल खान इसको आप रेक्टिफाई कर लेना ठीक है ये हो गया यहाँ ठीक आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्वराज पार्टी कल मैंने बताया था कि स्वराज पार्टी आ गई थी ठीक है कब 1923 में ठीक है में में क्योंकि जब चोरी-चोरा इंसिडेंट हुआ हुआ था था को 1922 में उसके बाद स्टार्ट किया पार्टी अब यहां पर हम जानेंगे इस स्वराज पार्टी ने क्या किया आगे आगे से समझो आफ्टर द वि ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस कमेटी डिसाइडेड नो एक्टिव मूवमेंट कैन बी स्टार्टेड Because people were not ready at that time, only constructive work can be done. कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया देखो जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता था ना ये कमेटी के जरिए से लिया जाता था ऐसे नहीं कि गांधी जी को जो मर जाए वो करें या बाकी को जो मन में आ जाए वो करें अब देखो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो ही क्या हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा की चोरी चोरी इंसिडेंट हुआ तो कमेटी ने डिसाइड किया जो इन्होंने कांग्रेस कमेटी बनाई थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विदड्रा कर रहे हैं तो अब हमें कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना चाहिए अब ये कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क क्या था कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क का मतलब होता है हमें विलेज में जाना चाहिए और विलेज़ की सिचुएशन देखनी है वहाँ पर हम चरखा चलाएंगे वहाँ पर हम बहुत सारे काम स्कूल स्कूल्स को बना लेंगे गांव में क्या क्या चल रहा है जब तक हम वहाँ पर खुद ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विलेज की प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता था उनके दिमाग में कि एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी इसलिए आज क्यों बोला जाता है विलेज लो, लो लोकल लेवल गवर्नमेंट क्योंकि गांधी जी का ये मेन आइडिया था कि अगर हम विलेज को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली विलेज के साथ साथ बाकी एरियाज भी डेवलप हो जाएंगे ब्लॉक डेवलप हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा उसके साथ-साथ एक स्टेट एक कंट्री डेवलप हो जाएगी तो उसको कंस्ट्रक्ट वर्क बोलते थे ठीक है तो गांधी जी ने बोला कि हमें कंस्ट्रक्ट वर्क पे अब ध्यान देना चाहिए ठीक है मतलब विलेज में जाकर विलेज में देखना चरखा चलाना है चरखा इंडसेंस के हैंडमेड चीजों को हम खुद बना लें या हम क्या खादी आपने पढ़ा होगा ठीक है तो उससे क्या हो जाएगा जब हम खुद लीडर्स जो जो लीडर्स होते हैं जब खुद हम ये काम करेंगे तो बाकी लोग इससे इंस्पायर हो जाएंगे क्योंकि अगर लीडर्स वो काम करेंगे कॉन्स्ट्रक्ट वर्क तो बाकी लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो ही ऐसा काम कर रहे हैं विलेज के लिए काम कर रहे हैं बाकी चीजें कर रहे हैं तो हम भी करेंगे तो उनको ये डायरेक्शन देने के लिए लेकिन हुआ क्या था लेकिन हुआ क्या था बट द कांग्रेस कमेटी वाज लेकिन कांग्रेस कमेटी में बहुत सारे लोग थे अब अलग अलग व्यू अलग अलग लोगों का था अलग अलग व्यू अब यहां पर जो है दो ग्रुप्स निकल के आए थे से समझो अलग अलग कमेटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं अब वहां पर दो ग्रुप्स निकल के आए कुछ लोगों ने बोला ठीक है कॉन्स्ट्रक्ट वर्क करना है कुछ लोगों ने बोला हम कॉन्स्ट्रक्ट वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ये आइडिया था एक्चुअली जो कॉन्स्ट्रक्ट वर्क गांधी जी का आइडिया था लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं हम जो हैं कॉन्ट्रक्ट वर्क नहीं करेंगे हम क्या हम हम हमें क्या चाहिए हमें काउंसिल एंट्री चाहिए हमें काउंसिल में जाना है ब्रिटिश काउंसिल में जाना है ये बात याद रखो जब स्वराज पार्टी बनी थी कांग्रेस कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी में दो

कौन सा एंट्री करना चाहते हैं तो अब यही पर समझिए हम प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स क्या होता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रो चेंजर्स में एस बी कहीं से भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा प्रो चेंजर्स चेंजर्स नो में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा लीडर था प्रो चेंजर और कौन कौन सा लीडर था नो चेंजर और प्रो चेंजर का मतलब क्या है ये क्या चाहते थे और नो चेंजर जो है ये क्या चाहते थे यही हम देखेंगे यहां पर प्रो चेंजर्स दे डिमांडेड काउंसिल एंट्री ठीक है एंड डिवेटेड फ्रॉम द जनरल आइडिया ऑफ कांग्रेस क्योंकि जनरल आइडिया क्या था कांग्रेस का कि हम अभी क्या कर रहे हैं हम अभी नॉन कॉपरेश मूवमेंट को रोक रहे हैं हम कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क में जाएंगे ठीक है लेकिन ये प्रो चेंजर्स क्या बोल रहे थे ये बोल रहे थे हमें काउंसल एंट्री चाहिए और ये डी एक्चुअली डिविएट हो चुके थे जो मेन आइडिया कांग्रेस का था दे सेड ये प्रोचेंजर्स का कहना है वी मे बी पैरलाइज्ड द गोवेंट ठीक है बाई रिजाइड विद इन द काउंसिल सो इलेक्शन शुड नॉट बी बाई ये बोल रहे कि हम क्या करेंगे जब हम काउंसिल में जाएंगे काउंसिल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे वहां पर इलेक्शन में मतलब ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में जाए वहां पर हम इलेक्शन लड़े आ रही बात समझ जब तक हम इनका ये कहना था जब तक हम खुद इलेक्शन में नहीं जाएंगे हम कैसे रोक सकते हैं ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कौन सा डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए या जो भी वो कर रहे हैं कौंसिल इंटरव्यू जब तक हम खुद नहीं जाएंगे हमें कैसे पता चलेगा हम कैसे उनको रोक सकते कैसे रोकेंगे वहाँ पर जब तक हम नहीं जाएंगे वहाँ पर तो ये चाहते थे कि हम वहाँ पर जाए और ब्रिटिशर्स को एक्चुअली इनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स को हम वहां पर बिल्कुल कोई काम करने नहीं देंगे डंग का अगर वो कोई भी डिसीजन हमारे अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं तो हम उसको रोकेंगे वहां पर लेकिन इसके अगेंस्ट गांधी जी बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट था इन प्रोचेंजर्स के अगेंस्ट अब यहां पर यही लिखा है दे सेड वी मे बी पैरलाइज द गवर्नमेंट बाय रिजाइड विद इन द काउंसल सो द इलेक्शन शुड नॉट बी बाईक हम काउंसिल इंटरव्यू चाहते हैं सम इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं प्रो चेंजर्स में याद रखना सी आर दास सी आर दास याद रखना जो मैंने कल बोला था जो स्वराज पार्टी का क्या था प्रेजिडेंट था और मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू भी प्रो चेंजर था याद रखो मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ठीक है लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय तीन याद रखना तीन लीडर्स ऐसे थे जो प्रो चेंजर्स थे एक सी आर दास सेकेंड मोतीलाल नेहरू एंड थर्ड लाला लाजपत राय नो चेंजर्स क्या थे अब देखो कि नो चेंजर्स नो चेंजर्स दिस ग्रुप कंप्लीटली एग्रीड विद द पार्टी डिसीजन जो पार्टी ने डिसाइड डिसीजन लिया था गांधी जी ने डिसीजन लिया था कॉन्स्ट्रक्ट वर्क में जाएंगे ठीक है अब ये नो no चेंजर्स उसी के हिसाब से चल रहे थे वो उसी डिसीजन पे थे दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कांग्रेस ये नहीं चाहते थे कि हम उनके सपोज उनके अगेंस्ट जाएं किन के कांग्रेस के अगेंस्ट मतलब जो कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया फाइनली हम उसी उसी के पे चलेंगे जो उनका कहना था कि कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क में इसलिए इनको बोला जाता है नो चेंजर्स ये चेंज नहीं हो गए ये वही फॉलो कर रहे थे जो कांग्रेस कमेटी का एजेंडा था उसी के ऊपर दे था ज्वाइनिंग काउंसिल लीड्स टू डिवेशन फ्रॉम द मेन गोल एंड राइज ऑफ पोलिटिकल करप्शन इनका ये आइडिया था कि अगर हम क्या करेंगे काउंसिल में ज्वाइन करेंगे नो no चेंजेस का कहना अगर हम काउंसिल में ज्वाइन करेंगे तो हम डिवेट हो जाएंगे जो मेन गोल है कांग्रेस का उस मेन गोल से हम डिवेट हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा इसको बोलते हैं पोलिटिकल करप्शन देखने को मिलेगा ठीक है ये किन का कहना था नो no चेंजर्स को इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं हमें मैं हम मेन गोल से डाइवर्ट हो जाएंगे हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे हम कांग्रेस का कांग्रेस कमेटी का जो डिसीजन है उसी डिसीजन पे अमल करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं यहां पर जिनको नो no चेंजर्स बोला जाता है आपको याद रखना है वी पटेल ठीक है पटेल को याद रखना आपको ठीक है वी पटेल सेकेंड राजा गोपाल आचार्य याद रखना सी राजा गोपाल आचार्य ठीक है राजा गोपाल चार्य याद रखने इसको ठीक है प्लेबिसाइड का आइडिया था प्लेबिसाइड आगे हम पढ़ेंगे प्लेबिसाइड प्लेबिसाइड का आइडिया दिया था राजा गोपाल आचार्य ने ठीक है राजा गोपाल आचार्य फार्मूला एक थी ये हम आगे पढ़ेंगे ध्यान सुनना कि, ये किसने ये फार्मूला दिया प्लेबिसाइड का आइडिया किसने दिया आपको याद रखना है राजा गोपाल सॉरी राजा गोपाल आचार्य फार्मूला उसको बोलते हैं जो प्लेबिसाइड ठीक है तो याद रखना नो चेंजर्स में कौन था पटेल था यहां पर सी राजा गोपाल आचार्य और राजेंद्र प्रसाद भी किनके साथ था नो चेंजर्स के साथ था इनका नाम आपको याद रखना है तो मैंने क्या बोला दो ग्रुप्स बने थे एक था प्रो चेंजर और दूसरे क्या था नो चेंजर नो चेंजर्स में कौन कौन सा था ठीक है प्रो चेंजर्स में सबसे पहले देखिए कौन कौन सा था आपको बोलना है सी आर दास था मोतीलाल नेहरू था ठीक है और क्या था लाला लाजपत राय था और नो चेंजर्स में कौन कौन सा था पटेल था राजा गोपाल आचार्य था और राजेंद्र प्रसाद था ये तीन साइड ये तीन इस साइड आई होप यहां तक आपको ये आइडिया आए, आया होगा कि क्या करने वाले थे ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं ठीक है यहां पर इन डिसंबर 1922 में क्या हुआ ये हम जानेंगे इन डिसंबर 1922 गाया सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सी आर दास ठीक है काउंसिल इंट्री रेजोल्यूशन नॉट पास्ड एज ए रिजल्ट सी आर दास हैज लेफ्ट द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड अनाउंसड एन अदर पार्टी देखो जब दो ग्रुप्स बने थे आपको याद रखना है जब दो ग्रुप्स बने थे कुछ क्या थे कुछ प्रो चेंजर्स थे कुछ क्या थे नो चेंजर्स तो प्रो चेंजर्स क्या चाहते थे हम काउंसिल एंट्री करेंगे लेकिन इसके लिए कमेटी बिठाई गई है उस कमेटी को याद रखना कमेटी सेशन बिठाया गया याद रखना सेशन उसको नाम था गाया सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपको याद रखना गाया सेशन में क्या हुआ था गाया सेशन में क्या हुआ था उस सेशन का प्रेजिडेंट था सी आर दास याद रखो कांग्रेस का प्रेजिडेंट जो था सी आर दास किस सेशन में गाया सेशन में और यहां पर जब इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है इन्होंने बोला सी आर दास का कहना था कि कौंसिल एंट्री चाहे हम करना चाहते हैं हमें कौनसल एंट्री करनी चाहिए इलेक्शन क्योंकि प्रो चेंजर था वो ठीक है लेकिन जब वोटिंग हुई वहां पर कमेटी में जब 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 सेशन सेशन पास किया जाता था जब उस सेशन में कोई डिसीजन तो जब वोटिंग हुई वहां पर लेकिन सी आर दास को ये इसके बारे में इसको बोला गया कि नहीं कोई कौंसिल एंट्री नहीं करनी है समझ आ रही है बात सी आर दास को बाकी लोगों ने मना किया वहां पर नहीं कोई भी काउंसिल एंट्री नहीं है नहीं करनी है हमें काउंसिल में नहीं जाना चाहिए उससे क्या होता है सी आर दास इस पे ईगो पे आता है तो वो सी आर दास क्या करता है वो एज ए कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होता है इसमें वो इस छोड़ देता है ये कांग्रेस का पोस्ट जो होता है ये प्रेसिडेंट का पोस्ट वो छोड़ देता है और जो ही वो छोड़ देता है वो एक नई पार्टी अनाउंसमेंट करता है एट द सेम टाइम गाया सेशन में और उसको नाम रखा जाता है स्वराज पार्टी आपको आइडिया आया होगा ये स्वराज पार्टी कहाँ से क्या आ गया बात समझ में आ रही है क्योंकि ये चाहते थे कि नहीं हम क्या करें पार्टी ऐसी बनाए क्योंकि उनको पता था लोगों के पास भी एनर्जी है बाकी भी है तो हम क्यों ना नई पार्टी स्टार्ट करेंगे तो ठीक है तो उन्होंने क्या पार्टी बनाई उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी याद रखना स्वराज पार्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो दैट इज सी आर दास रखना याद ठीक है ये था इसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन था मोतीलाल नेहरू यही मैंने लिखा है यहाँ पर हाईलाइट मैंने किया है ठीक है एक सेकेंड रुको यहाँ मुझे आने दो हम्म यहाँ थोड़ा सा ऊपर ठीक है सी आर रिजल्ट सी आर दास द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेजिडेंट एंड अनाउंसड एन अनदर पार्टी नोन एज स्वराज पार्टी इन विच सी आर दास अपॉइंटेड द प्रेजिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज सेक्रेटरी इस पार्टी का प्रेजिडेंट सियार दास था और सेक्रेटरी जो था दैट वाज मोतीलाल नेहरू इन 1923 लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो गए स्वराज पार्टी वन फोटी सीट्स आउट ऑफ वन दैट मीन्स वन में से स्वराज पार्टी को मिला फोर्टी सीट्स मतलब एबसोल्यूट मेजॉरिटी क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज थी ठीक है अगर पार्टी सपोज यहाँ पर देखो चार पांच पार्टीज़ हैं ए है बी है सी है डी है, है और ए सपोज़ समझो स्वराज पार्टी यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर और भी कोई पार्टी यहाँ पर और भी कोई पार्टी तो दैट मीन्स फोर्टी टू सीट स्वराज पार्टी ने ही लिया है दैट मीस उस टाइम इसको क्या मिला है आउट ऑफ वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड फाइव सीट्स टोटल थी फोर्टी टू सॉरी फोटी टू जो है ये स्वराज पार्टी ने बाकी जो भी बचा वो बाकी पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ मतलब ये कहने का मतलब मुझे ये प्रोविंस में स्वराज पार्टी को एब्सोलूट मेजॉरिटी मिली है उसने ठीक ठाक तरीके से इलेक्शन को जीता किन्होंने स्वराज पार्टी ने याद रखना इस बात को इन नाइन ये तो नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में इलेक्शन हुआ 1924 में क्या हुआ फिर इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मोतीलाल नेहरू को अपोजिशन का लीडर बनाया गया एंड ही डिमांडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन देखो मोतीलाल नेहरू ने आइडिया दिया कि हमें क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चाहिए मतलब राउंड टेबल को इसने डिमांड की है कि हमें क्या क्योंकि अपोजिशन पार्टी का मेंबर था तो इसने क्या बोला वहां पर क्योंकि डेफिनेटली ये अपनी डिमांड्स को तभी मांग सकते हैं क्योंकि ये भी किसी हद तक ठीक थे क्यों थे क्योंकि जब तक ये खुद काउंसिल एंट्री नहीं करते ये कैसे ब्रिटिशर्स को बोल देते हैं या अगर ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते तो ये एज एन अपोजिशन पार्टी क्या करते वोट ऐसा डालते थे कि उनको रोक देते वहां पर जैसे होता है अपोजिशन पार्टी का रोल जो होता है तो इसने बोला कि आप क्या करो हम डिमांड इसने क्या डिमांड की था? इसने बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाए और क्या करना उसमें क्या और, और क्या करना चाहिए और जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करना चाहिए ये मोतीलाल नेहरू का डिमांड थी इन 1925 ड्यू टू डेथ ऑफ सी आर दास अचानक से सी आर दास की डेथ हो जाती है अब याद रखो सी आर दास की डेथ हो जाती है स्वराज पार्टी मुझे बोलो ये ग्रो हो जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी स्वराज पार्टी जो है ये जो होती है ये डिक्लाइन हो जाता है स्वराज पार्टी का क्योंकि जब प्रेजिडेंट ही पार्टी का मर जाएगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है वीक हो जाती है और स्वराज पार्टी का डिक्लाइन होता है याद रखो दो सालों के अंदर अंदर स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी खत्म हो जाती है नोट 1925 में याद रखना 1925 में ठीक है भाई पटेल याद रखना विठल भाई पटेल फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर नोट रखना याद ये कि वेल भाई पटेल को फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर कंसिडर किया गया था क्योंकि जब इन्होंने काउंसिल एंट्री किए इन्होंने कितनी सीट्स लिए हैं 42 सीट्स लिया हंड्रेड फाइव में से उसमें से विठल भाई पटेल जो है उसको बनाया गया फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर आई होप यहां तक ये यह बात आपको समझ आई होगी जो मेरे कहने का मतलब था यहाँ पर राइट right? Yeah. <laughs> तो यही मैंने लिखा था इसमें कल जो मैंने आपको बताया था कि स्वराज पार्टी में जो वाई स्वराज पार्टी ठीक है क्योंकि विदड्रॉवल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी बनी और इसमें मैंने लिखा है स्वराज पार्टी में यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था मैंने लिखा था विठल भाई पटेल जो है इसको बनाया गया फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर नाइनटीन में स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था सी आर दास सेक्रेटरी कौन था मोतीलाल नेहरू टू ग्रुप्स जो थे ठीक है जब नॉन नॉन कॉपरेशन का विद्रा किया था दो ग्रुप्स ने उर किया एक था प्रो चेंजर्स और था नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स के लीडर सी आर दास मोतीलाल नेहरू लाजपत राय ये क्या चाहते थे ये वांटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन चाहते चाहते थे हम कंडक्ट मतलब काउंसिल एंट्री चाहते थे और प्रो चेंजर्स क्या चाहते थे ये प्रो चेंजर्स राजेंद्र प्रसाद वी पटेल राजा गोपाल आचार्य वॉन्टेड नो चेंज ये चा, चाहते थे कोई चेंज नहीं मतलब ये चाहते थे कि हमें जो कांग्रेस बता रहा है उसी हिसाब से चलना चाहिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक सेशन पास किया गया था 1922 में उसका नाम है गाया सेशन गाया सेशन का प्रेसिडेंट कौन था सी आर दास मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें याद रखनी ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के हैं एग्ज़ाम में आ चुके हैं ठीक है सी आर दास प्रेजिडेंट था लेकिन बट काउंसिल इंट्री रेजोल्यूशन वॉज रिजेक्टेड काउंसिल इंट्री रेजोल्यूशन क्या किया गया इसको रिजेक्ट किया गया सी आर दास ने क्या किया सी आर दास ने, ने रिज़ाइन किया और उसने क्या बनाए पार्टी बना ली कौन सी स्वराज पार्टी एरोज मैंने दिखा है यहाँ पर एरो के हिसाब से आपको चलना है स्टेप फोर ये है ठीक है स्टेप फाइव ये उसके बाद नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होते हैं कितनी सीट्स ली जाती है फोर्टी टू कांग्रेस को क्या मिलती है इसको स्वराज पार्टी को क्या मिलता है आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको एबसुल्यूट मेजोरिटी सी आर दास जो होता है अपोजिशन लीडर होता है नाइनटीन ट्वेंटी फाइव क्या होता है सी आर दास की डेथ होती है जिसकी वजह से क्या होता है स्वराज पार्टी का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आई होप यहां तक ये यह बात आपको समझ आई होगी तो हम आगे चल रहे हैं नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो याद रखने लायक है हुआ होगा कुछ लेकिन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है आगे चल रहा है हम नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में आ जाएंगे देखो गाइज याद रखो हमेशा याद रखो मैं बार बार बोल रहा था कि इंडियन सॉरी ब्रिटिशर्स जो रिफॉर्म्स लाते थे वो नाइनटीन जीरो नाइन के बाद नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन में और उसके बाद इनको लाना था दस साल के बाद नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में अगर इनको रिफॉर्म्स लाने हैं है, डेफिनेटली मतलब है, और मैं एज ए मेंबर हूँ कांग्रेस का मेंबर चेयरमैन हूँ हेड हूं तो मुझे पता है ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लाना चाहते इनको जो लाने हैं इंडियंस के लिए 1921, 1929 में, मुझे पता है न, दस साल के बाद अगर इन्होंने लाया अब मुझे पता है दस साल के बाद तो अगर 1928 भी चल रहा है 1928 भी चल रहा है तो मैं अपना एक लिस्ट बना सकता हूँ ना एक लिस्ट में बनाऊंगा, उसमें अपनी डिमांड्स को रखूंगा मैं कि हमें सेपरेट एलेक्ट्रेट चाहिए सपोज हमें क्या चाहिए, पावर देना चाहिए, इक्वल राइट्स देना चाहिए, वुमेन्स को वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलना चाहिए ठीक है डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए इंडियंस को ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम्स को नहीं चाहिए मतलब ऐसे में कुछ जो भी मेरे डिमांड्स है हमें काउंसिल एंट्री चाहे सीट्स को बढ़ाया जाए सपोज ही मैंने एक लिस्ट बना लिया कब बनाया मैंने नाइनटीन में ठीक है 1928 में पहले मैं पहले भी लिस्ट बना सकता हूँ मैं अपनी डिमांड्स को पहले भी तैयार रख सकता हूँ 1925 में 1924 में क्योंकि 1919 में अगर उन्होंने रिफॉर्म्स लाए तो मैं 1919 1919 के बाद 1919 के बाद किसी भी टाइम बना सकता हूँ लेकिन उन लेकिन ये भी मुझे पता है कि 10 साल बाद आना है अगर मैं अभी बनाऊँगा क्योंकि आगे और कुछ चेंजस आ जाएंगे और भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएंगे कि हमें फिर से वो ऐड करना पड़ेगा क्यों ना मैं एक काम करूँ मैं लास्ट में बना लूँ तो सपोज मैं बोल रहा हूँ मैंने नाइनटीन में मैंने अब अभी क्या चल रहा है

कुछ बात समझ में आ रही है कुछ आइडिया आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है एक्चुअली ये इनको रिफॉर्मस लाना था 1919 के बाद 10 साल 1929 में तो दैट मीनस अगर इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस जो थे लीडर्स जो थे उनको पता था कि हमें ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लाएंगे हमारी कौन कौन सी डिमांड है जो हम ब्रिटिशर्स को जो हम वॉयस रॉय को बोलेंगे फिर वो कहाँ लेकर जाएगा लंदन में लेकर जाएगा वहाँ से हमारी फिर जब मीटिंग होगी वहाँ पर जो भी उनका होगा तो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए जो भी चल जो होगा लेकिन अभी तक इन्होंने ये बनाया नहीं था तो यहाँ पर तैयार ही नहीं था अभी तो लेकिन अचानक से 1927 में ले रिफॉर्मस लेकर आते हैं और जब लेकर आते हैं इंडियंस इंडियंस क्या थे बिल्कुल तैयार ही नहीं थे एक बात तो ये। दूसरी बात ये होती है ठीक है इसको याद रखो 1927 में क्या हुआ था 1927 में एक कमीशन बिठाया गया है जिसको बोलते हैं हम साइमन कमीशन ठीक है याद रखो ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड ऑल वाइट इंडियन स्टेटरी कमीशन ये एक ऐसा कमीशन बनाया गया था जिसमें सभी वाइट थे वाइट का मतलब सभी ब्रिटिशर्स थे इंडियन कोई भी नहीं था कब 1927 में नून एज साइमन कमीशन चेयरमैन जो था इस कमीशन का उसका नाम था सर जॉन साइमन इसलिए इसको साइमन कमीशन बताया गया ठीक है इस कमेटी को किसने अपॉइंट किया कमेटी को किसने किसने अपॉइंट किया आपको याद रखना है? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो साइमन कमेटी को किसने अपॉइंट किया वहां पर सर जॉन साइमन भी था वहां पर ब्रैकन हेड भी था आपको याद रखना उसका अपॉइंट किसने किया है लॉर्ड ब्रैकन हेड याद रखना लॉर्ड ब्रैकन हेड लॉर्ड ब्रैकन हेड ये उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था याद रखना इस पॉइंट को और इस कमेटी का चेयरमैन जो था वो था सर जॉन साइमन इसलिए उसको बोला जाता साइमन कमीशन आरी बात समझ अब यहां पर देखो वाई साइमन कमीशन साइमन कमीशन को क्यों लाया गया ठीक है क्वेश्चन राइज होता है ना Appointed, इसको अपॉइंट किया गया इन ऑर्डर टू रिवाइव द परफॉर्मेंस ऑफ नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन एक्ट जो नाइनटीन में उन्होंने एक्ट्स लाए लाए थे अब मैंने बोला था ना साल के बाद उनको उसको कुछ उसमें चेंज लाए जाते हैं नए ला है, 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 तो लेकिन साइमन ले कमीशन पहले ही बिठाया जाता इन, क्या करने के लिए? करने के लिए किस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ठीक है अब यहां देखो लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियंस क्या करते हैं कांग्रेस मतलब समझो आप कांग्रेस क्या करता है कांग्रेस एक सेशन बिठाता है डेफिनेटली uh, में तो बिठाएगा नहीं ठीक है 1927 में अगर साइमन कमीशन आएगा तो 1927 में ही कमेटी बिठाएगा कौन कांग्रेस उसको बोलते हैं मद्रास कमेटी याद रखना मद्रास सेशन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन याद रखना मद्रास सेशन का प्रेजिडेंट याद रखना एक मैंने अभी बोला किसका गाया सेशन याद रखना और दूसरा अभी जो है प्रेसिडेंट जो है मद्रास सेशन का डॉक्टर अंसारी याद रखना डॉक्टर अंसारी था इसका प्रेजिडेंट इन विच इसमें क्या किया इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकआट द कमीशन इन्होंने बोला कि हम कमीशन को बाइक आउट करते हैं हम जो भी ये रिफॉर्म लाते हैं, हम किसी भी रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मतलब इनके अंदर ये समझो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था एक तो कमेटी बैठाई गई थी ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन सभी ब्रिटिशर्स थे दूसरा ये कि अभी इंडियंस तैयार ही नहीं थे इनको पता था कि नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ये दो साल पहले भी ला लेकर आए यहाँ पर ठीक है ठीक है क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा कि साइमन कमीशन जब बिठाया गया था sorry, थे या नहीं थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और किया। और उन्होंने किया अब अब पर पर देखो अब यहाँ पर देखो द मुस्लिम लीग क्योंकि डिफरेंट पार्टीज थी ना मैंने पहले ही बोला था जब इलेक्शन हुआ था डिफरेंट पार्टीज थी एक तो मुस्लिम लीग भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी एक और पार्टी थी हिंदू महासभा ठीक है पंजाब यूनियनिस्ट की बात करेंगे मद्रास की बात करेंगे आगे आगे देखते हैं तो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा एंड अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइड टू बाइकआउ याद रखना किस किस पार्टी ने बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को याद रखना मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था मतलब ये इंडिया इसके साथ ही थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चाहता था वही मुस्लिम लीग ने भी किया हिंदू महासभा एक पार्टी थी एंड ऑल पोलिटिकल ग्रुप्स डिसाइड टू बाइकआउ जितने भी पोलिटिकल ग्रुप्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बाइकआउट करना चाहिए किसका साइमन कमीशन का ठीक है अब यहां पर किस किस पार्टी ने फिर क्या किया एक्सेप्ट किया याद रखना एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी इन मद्रास एंड पंजाब यूनिस्ट याद रखना मद्रास और पंजाब यूनिस्ट ने बाइकआउट नहीं किया साइमन कमीशन को बाकी जो भी है जितने भी पार्टीज है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन को एक्सेप्ट किया था मतलब उसने बाइकआउट नहीं किया था आपको बोलना है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी एंड जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास मुस्लिम लीग का पूछा जाता है इसमें कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को इतना आपको याद रखना है रीजन फॉर रीजनस ऑफ आट ऑफ साइमन कमीशन साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया क्या रीजन है क्यों इन्होंने बाइकआउट किया ये भी क्वेश्चन राइज होता है सबसे पहला पॉइंट सभी इंग्लिश इंडियन कोई नहीं था तो डेफिनेटली बायकॉट तो बनता है अगर यहां पर कोई कमेटी बिठाई जाती है सपोज जम्मू कश्मीर में सपोज पर तो कमेटी बैठाई जाते है लेकिन किसी भी लीडर को जम्मू कश्मीर का कोई भी लीडर उस कमेटी में नहीं है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो जो कमेटी बैठाई गई है तो वो चलनी चाहिए नहीं हम बोलेंगे नहीं हमें हम एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे जब कश्मीर कोई लीडर ही नहीं तो हम कहाँ थोड़ी ना मानेंगे जैसे आर्टिकल थ्री सेवेंटी को रिवोव किया गया अब यहां पर कोई जम्मू कश्मीर का लीडर था ही नहीं उसको पता ही नहीं था और यहां से आर्टिकल थ्री सेवेंटी को रिवोव किया गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद देखो गुस्सा लोगों का उसके बाद हड़ताल देखो बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहां पर इसलिए बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट होती है आप लोगों को अब समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में भी या बाकी जगहों पर भी आहिस्ता आहिस् आपको समझ में आ जाएगा मैं उतना डीप भी पढ़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन अगर आप डीप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कैसे गवर्नमेंट भी किस तरीके से चीजों को चला रहा है आगे ठीक है तो यहां याद रखो रीजन फॉर बाईकाउट क्या था थाल इंग्लिश थे सभी इंग्लिश थे ड्यू डेट क्या था एक्चुअली रिफॉर्म लाने का 1929 लाया कब गया में ट्वेंटी सेवन हेड जो था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम इंडिया का ये कंसिस्टेंटली ये क्या करता था ये इंडियंस को बोलता था बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये इनको बोलता है इनके हा मतलब इन, इनको कुछ पता ही नहीं है मतलब इस तरीके से क्रिटिसाइज करता था इंडियंस के बारे में बोलता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन लीडर जो थे बोल रहे ये क्या पार्टी बनाएंगे इनको क्या पता है कि किस तरीके से चलाना एक कंट्री को किस तरीके चलाना ये बैकवर्ड है मतलब बहुत सारा इसको बोला जाता है वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसकी वजह से भी क्योंकि वो बार बार बोलता था इसने बोला कि, कि क्या जरूरी है कि इंडियंस को बुलाया उनको क्या पता है किस तरीके से गवर्नमेंट चलाना है किस तरीके से इंडिया को चलाना है किस तरीके से लोगों को चलाना है ये बैकवर्ड इनको ऐसे ही रहने दो ये ब्रैक एंड हेड का कहना था इसलिए इसको मतलब क्रिटिसाइज एक किस्म का समझो आप इंडियंस को करते थे मतलब उसकी इन उसकी इनएबिलिटी पे बात की जाती थी मतलब वो वो इन वो उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो एक अच्छी सी गवर्नमेंट चलाएं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं या बाकी एंड ऑल दैट उनके लिए हम हम ही काफ़ी हैं यहाँ पर ये किसका ब्रैक एंड हैड का कहना था इसी को बोला जाता प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसकी वजह से इंडियंस को भी गुस्सा आया और उन्हें सा, सा, क्योंकि ये, ये ये किसने भी बिठाया था ये किसने बिठाया था साइमन कमीशन ब्रैक एंड हैड नहीं तो उन्होंने अब बाइकआउट करना शुरू कर दिया इंडियंस ने आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन के लिए है अबाउट साइमन कमीशन रिपोर्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट आया देखो साइमन कमेटी बिठाई गई है नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में लेकिन साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो आया कमेटी तो बिठाया यहां पर कहां पर इंडिया में अब रिपोर्ट कहां से आएगा रिपोर्ट आता था लंदन से इंग्लैंड से क्योंकि वहां पर इनका जो ब्रिटिश क्राउन जो थी या वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहां पर कैबिनेट तो वहां पर बैठता था ना कहां पर कैबिनेट लंदन में बैठता था लंदन में ही डिसाइड करते क्या करना है क्योंकि इंग्लिश इंस्टीट्यूट कंपनी तो एज ए प्राइवेट कंपनी थी इंडिया में ठीक है तो डिसाइड लंदन में करते तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया कहां से अब सॉरी लंदन से कहां पर आ गया नाइनटीन में वापस आ गया रिपोर्ट केम इन इंडिया रिपोर्ट जो आया साइमन कमीशन रिपोर्ट ये इंडिया आया और इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया मतलब जो भी रिफॉर्मर्स इन्होंने इसमें डाला था इंडियन इंडियंस ने क्या किया मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को डायरेक्टली डेफिनेटली रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि जब कमेटी कमिट, बिठाई गई थी साइमन कमीशन बिठाया गया तो उसमें इंडियंस थे ही नहीं अब इंडियंस को क्या पता है क्या क्या ये इन्होंने क्या लिखा इसमें और क्या लंदन में भेजा इन्होंने किस क्या क्या था क्या कौन कौन सी बात थी इसमें तो डेफिनेटली इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया याद रखना और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है ठीक है एंटी साइमन कमीशन और बोला गया है कॉल फार गो सैमन गो बैक याद याद रखना साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ नाइनटीन ट्वेंटी एट में एक स्लोगन दिया गया था इंडियन स्कूल था गो समन गो बैक याद रखना ठीक है इन 1928 1928 में क्या था सॉन्डर्स जब इंडियन ये एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पर बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं जब हालात खराब होते हैं नाइनटीन ट्वेंटी एट सॉन्डर्स अनौंसड लाठी चार्ज सॉन्डर्स जो था वो क्या करता है अनाउंस मतलब वो एक ऑर्डर देता है कि लाठी चार्ज शुरू कर दो जैसे सपोज आप एस हो किसी डिस्ट्रिक्ट के तो किसी डिस्ट्रिक्ट में हालात खराब हो जाते हैं लोग नहीं मान रहे आप क्या करोगे आप लाठी चार्ज का ऑर्डर करोगे तो एग्जैक्टली exactly सॉन्डर्स ने क्या किया लाठी चार्ज का ऑर्डर कर दिया ठीक है ऑर्डर दे दिया ठीक है एट लाहौर एजुटेशन ठीक है एट लाहौर ठीक है तो हड़ताल होना शुरू हो गया एजुटेशन स्टार्ट हो गई लाहौर में जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को पकड़ा जाता है और उसको इतनी लाठी चार्ज हो जाती है लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है समझो इस बात को खतरनाक लीडर था लाला लाजपत राय इसका दबा भी बहुत खतरनाक था ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर था इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को क्या क्या किया जाता है उसकी डेथ होती है वो इंजर हो जाता है और डेथ होती है उसकी किस में एंटी साइमन कमीशन के टाइम पे आफ्टर हिज डेथ जब उसकी डेथ होती है अब रोल आता है जैसे मैंने अभी बोला जैसे मैंने कल बोला था आपको कौन सा हुआ था जलन वाला बाग हुआ था उसमें जनरल डायर ने क्या किया था हिट फायर का ऑर्डर दिया था तो लोग मर गए उसके बाद कौन गया क्या बोलते उधम सिंह उधम सिंह कहाँ गया उधम सिंह गया इंग्लैंड और उसने मिचल डायर को क्या किया किल किया मारा उसको लंदन में जाकर लेकिन यहां पर लाला लाजपत राय को मारा जाता है लाठी चार्ज में लेकिन यहाँ पर आप रोल देखेंगे हम भगत सिंह का रोल तो भगत सिंह एंड इट इस कॉमरेड्स ये भगत सिंह और उसके साथ इसके कॉमरेड्स होते हैं कॉमरेड्स का मतलब है जो भगत सिंह को हेल्प कर रहे थे किस में आज़ादी को लड़ने के लिए याद रखना आज़ादी को लड़ने के लिए जो सपोज अगर आप पढ़ रहे हो अभी कुछ बात समझ आ रही अभी आप पढ़ रहे हो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आप तैयारी करो एग्जाम की मतलब आप एक स्ट्रगल कर रहे हो उस स्ट्रगल में आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मतलब मैं आपको सपोर्ट कर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ना ये चीज़ें करनी है इस तरीके से ये चीज़ करो इससे आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम को दे रहे? मैं आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना आपका जो एम है उसको अचीव करने में आपका जो भी ड्रीम है उसको अचीव करने में तो मैं जो हूं मैं सर जो है मैं बन गया आपका कॉमरेड याद रखना कॉमरेड वो होता है जो कि आपके एम को आपके मकसद को आपका हेल्प कर रहा है सपोर्ट कर रहा है उस वहां तक लेकर जा रहा है एक्जैक्टली भगत सिंह जो था ये भी एक रेवोल्यूशनरी आप बोल सकते तो इसको बोलते हैं milit, था ठीक है ये मिलिटेंट एक्चुअली एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम एक बुक है हिस्ट्री की वहां पर हमें मिलिटेंट एरा पढ़ना पड़ता है तो वहां पर भगत सिंह का रोल हमें देखना पड़ता है लेकिन अब वहाँ पर उतना मैं डीप नहीं जाऊँगा वहां पर क्योंकि वो मेन्स आंसर राइटिंग के लिए पढ़ना पड़ता है रीजनस क्या क्या होते हैं लिखने के लिए लेकिन एम के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ मोर देन सेफिशियट है ज्यादा नहीं पढ़ना है तो भगत सिंह जाता है और और इसके कॉमरेड्स के साथ और ये क्या करते हैं सोंडर्स को पकड़ के ना क्या करते हैं मार देते हैं बात याद रखना सोंडर्स को पकड़ के मार देते हैं डेफिनेटली याद रखना अब सोंडर्स को किसने मारा भगत सिंह को और जनरल ओडायर को किसने मारा था मिचेल ओडायर को किसने मारा था आपको याद रखना वो था उदम सिंह अब इन दो में से कंफ्यूज नहीं होना ठीक है यहां तक आई होप यहां तक समझ आया होगा ठीक है आफ्टर अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन जब बहुत ज्यादा यहाँ पर हड़ताल देखो यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुई थी लाला लाजपत राय इसकी भी डेथ होगी हो तो सोंडर्स ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का उस उस सोंडर्स सोंडर्स को को किसने मारा? उस को किसने मारा मारा भगत सिंह तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भगत सिंह ने सोंडर्स को क्यों मारा आपको बोलना है लाला लाजपत राय का बदला लेना ठीक है इसने क्या लिया एक्चुअली इसने लाला लाजपत राय का बदला लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा मानते थे लाला लाजपत राय को ठीक है लाला लाजर, आपको पता था था यंग ब्लड था बहुत ज्यादा मतलब गुस्से वाला बंदा था तो इसलिए इसको बदला लिया गया मारा गया किसको सॉन्डर्स को आफ्टर स्ट्रांग प्रोटेस्ट कहां पर इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ था लाहौर में अगेंस्ट साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड सर अब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया

मतलब गांधी जी को आई को बोल रहा है कि एक ऐसा रिपोर्ट बना लो कॉमन रिपोर्ट लेकिन होना चाहिए कॉमन मतलब जिसमें सभी पार्टीज की बात होनी चाहिए मुस्लिम लीग की बात हिंदू महासभा की बात ठीक है पंजाब यूनिस्ट की बात मद्रास की बात मद्रास पार्टी जो थी ठीक है पंजाब यूनियनिस्ट अपनी बातें भी रखो तो मतलब ये रखो कि हर, हर मीटिंग ऐसी ऐसी बना लो फिर एक रिपोर्ट बना लो और उस रिपोर्ट में सभी बातें रखो ठीक है एक कॉमन रिपोर्ट बना लो ये ब्रिटिश का कहना था किन को इंडियंस को तो डेफिनेटली एक रिपोर्ट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट याद रखना मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट को बनाता है मोतीलाल नेहरू ना कि जवाहरलाल नेहरू तो कॉमन रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आफ्टर द साइमन कमीशन कौन सा रिपोर्ट बनाया गया एक कॉमन रिपोर्ट बनाया गया था इंडियंस के जरिए से आपको बोलना वो कौन सा रिपोर्ट है आपको बोलना वो नेहरू रिपोर्ट था प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू एम एल नेहरू याद रखना ठीक है सी आर दास तो था नहीं वो इसकी डेथ हो गई थी क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब बना आपको बोलना है नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में तो इनशाला कल हम 1928 से लेकर 19 1940 तक लेकर जाएंगे उसके बाद परसों 1940 से लेकर 1947 लेकर जाएंगे हम आज़ादी तक लेकर जाएंगे इसको ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको ये सेशन समझ आया होगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा बेस्ट लगा तो आप बेस्ट से बेस्ट वाले कमेंट्स जो है लिखा करो कमेंट सेक्शन में और लाइक भी करो ठीक है मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं मैं हर एक का देख रहा हूँ फिर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर चीजों को रेक्टाई करता हूँ क्योंकि कब बीच बीच में मैं देखता हूँ खाना खाने के टाइम पे कमेंट्स को देखता हूँ किसने क्या लिखा और फिर यहाँ पर मैं रेक्टिफाई करता हूँ ठीक है तो ये जान मत ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे अच्छे कमेंट्स होते हैं अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ उसको तो टाइम लगेगा तो कल मैं सोच रहा था कल संडे ना कल तो क्लास नहीं होगा कल ऑफ है कल आपको रिवाइज कर मैं सोच रहा हूँ कल सोच रहा हूँ अभी कल नाइन नाइन पे नाइन पे खाना खाने के टाइम पे मतलब डिनर के टाइम पे या आप पहले डिनर करो या उसके बाद डिनर करो अपनी मर्ज़ी आपको मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक लाइव सेशन ले लूँ लाइव सेशन यूट्यूब पे मैं लाइव सेशन ले लूँगा फिर जिसको जो पूछना है वहाँ पर आप पूछ सकते हो कैसी प्रपरेशन करनी है कैसा चल रहा है सिस्टम बाकी सभी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कल ठीक है तो लेकिन मैं पहले ग्रुप में डालूंगा कि मैं सेशन ले लूँगा या नहीं ले अभी मेरे दिमाग में है ठीक है तो आप तैयार है ना कर नौ बजे में लाइव सेशन यूट्यूब पे लेता हूं ठीक है हम लाइव बात करेंगे फिर देखते हैं क्या होगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में कमेंट सेक्शन में बोलना नहीं कमेंट्स लिखा करो कि सेशन कैसा लगा थैंक यू सो मच